गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। समय है सुबह के 6:18 और मुझे 6 पहुंचना था साउथ एक्स, और मैं हूं लगभग द्वारका में, और मेरे पास है लगभग 12 मिनट का समय, और 12 मिनट में मैं साउथ एक्स नहीं पहुंच सकता क्योंकि यहां से 20 किलोमीटर है साउथ एक्स, और मुझे नहीं लगता कि मैं पहुँच पाऊँगा समय पर। आज हमारी एक राइड है जो कि बहुत ही अच्छी राइड होने वाली है नोएडा तक। बहुत सारे राइडर्स आए हुए हैं, तो 6:30 फ्लैग ऑफ होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँगा जल्दी से, तो मुझे डायरेक्टली नोएडा की तरफ निकलना होगा। लेकिन कोशिश करता हूँ, मैं थोड़ा सा तेज़ चलानी पड़ेगी मुझे आज बाइक, तो इसलिए चलता हूँ। थोड़ी देर में आपको अपडेट देता हूँ, प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, और वीडियो को लाइक कर दो, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइस 6:30 फ्लैग ऑफ होने का टाइम है, और मैं साउथ एक्स से 10 किलोमीटर पीछे हूँ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और मैं थोड़ा सा भीग चुका हूँ, ये देखिए थोड़ी धीमी होगी बारिश, तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मेरे पास रेनकोट नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा, शायद वो लोग निकल जाएंगे मेरे बिना, तो मैं डायरेक्ट नोएडा में वहाँ उनको ज्वाइन कर लूँगा। तो गाइस यहाँ बारिश बहुत तेज़ हो रही है, इसलिए मैं काफ़ी देर से रुका हुआ हूँ, क्योंकि इस बारिश में निकलना पॉसिबल नहीं है, ये देखिए। और थोड़ी सी रुकी है बारिश, काफ़ी देर से तो बहुत तेज़ हो रही है, लोग जा रहे हैं। एक बार मैं भी निकल के देखता हूँ, क्योंकि साउथ एक्स में जो राइडर्स हैं वो बहुत सारे रुके हुए हैं, वो भी नहीं निकले हैं अभी। दिस इज़ D900, वो निकल चुके हैं भाई, बिल्कुल वहीं पर रुको, आ जाओ। हम चल रहे हैं गाइस फटाफट, ये भाई तो D900 है भाई, कोई भिगा ना दे यार, गाड़ी वाले भिगा रहे हैं। ये देखो भाई, देखा भाई, उसकी तो D900 है, वो तो 2 में क्या कैच कर लेगा सबको। सारा ग्रुप गाइस आगे जा चुका है और मैं पीछे हूँ, थोड़ा सा पीछे हूँ, ज़्यादा पीछे नहीं हूँ, क्योंकि साउथ एक्स से अभी भी निकले हैं और मैं भी लगभग पीछे ही हूँ। बारिश हो रही है, इस वजह से ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकते, अभी जल्द से जल्द ज्वाइन करता हूँ मैं ग्रुप को। गाइस हम पहुँचने वाले हैं नोएडा, और यहाँ पर देखिए GT मस्टैंग का एक्सीडेंट हुआ है। ओ माय गॉड, एक्सीडेंट हुआ है क्या? अच्छा, किसी को चोट तो नहीं लगी ना? UK 08, oh my God. गंदा वाला एक्सीडेंट हुआ, बच गए भाई। तो गाइस जैसा कि आपने देखा, GT मस्टैंग का एक्सीडेंट हो गया था, और घर से बाहर निकलने पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। येलो GT मस्टैंग थी, और सुनने में आया पापा की परी चला रही थी और परा साइड में बैठा हुआ था। GT मस्टैंग में काफ़ी नुकसान हुआ है, कई लाख का नुकसान हुआ है, तो अच्छी बात यह है कि किसी को चोट नहीं आई। और ये देखिए हम दोस्तों नोएडा पहुंचने वाले हैं, हमारा सारा ग्रुप हमें छोड़ के जा चुका है, और अब हम डायरेक्ट मेन लोकेशन पर पहुँचेंगे कैफे में।